एक लंबे समय के बाद अभिनेता सनी देओल एक बड़ी फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं और उनकी अपकमिंग फिल्म गदर 2 को लेकर इन दिनों काफी ज्यादा बज भी देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार यह हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि 21 सालों के बाद अब इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। लगभग स्टार कास्ट वही रहेंगे, यानी तारा और सकीना की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। अब तारा सिंह के किरदार में अभिनेता सनी देओल नजर आए थे, तो वहीं दूसरी ओर फिल्म की लीड एक्ट्रेस थी अमीषा पटेल, जिन्होंने फिल्म गदर एक प्रेम कथा में सकीना का किरदार निभाकर काफी लाइमलाइट बटोरी थी। एक पाकिस्तानी लड़की की भूमिका उन्होंने फिल्म में निभाई थी और उनकी मासूमियत लोगों के दिलों पर छा गई थी। कुछ इस तरीके की फिल्म की कहानी थी जिसे उस दौरान काफी ज्यादा पसंद किया गया। ऐसे में 21 सालों के बाद अब इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। जाहिर तौर पर इस फिल्म का भी काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अभिनेत्री अमीषा पटेल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि अमीषा पटेल एक पाकिस्तानी लड़के के पीछे पागल हो गई है, जिसकी तस्वीरें भी गवा दे रही है। कई सारे वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहे हैं। आइए चलिए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। अब अमीषा पटेल भी एक लंबे समय से बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों से दूरी बनाई हुई है। हालांकि जल्द वो अपनी आने वाली फिल्म गदर एक प्रेम कथा के दूसरे भाग को लेकर काफी ज्यादा उत्सुक है और कई सारी वीडियो भी उनकी काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी है कि मैं गदर 2 का हिस्सा बनने के बाद काफी ज्यादा खुश भी हूं। लेकिन अमीषा पटेल भले ही बड़े पर्दे पर दूर हो, लेकिन वो सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में रहती हैं और वो सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी तस्वीरें भी काफी ज्यादा शेयर करती रहती हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने एक पाकिस्तानी एक्टर के साथ रील शेयर की है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गई हैं। अब अमीषा पटेल जहां एक तरफ गदर 2 में एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभा रही हैं, वहीं दूसरी ओर एक पाकिस्तानी एक्टर के साथ उनकी ये रील इस बात का गवाह दे रही है कि कहीं ना कहीं वो उनके प्यार में पड़ गई हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर गदर 2 पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अमीषा पटेल बॉलीवुड की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं। वो अपने निजी जीवन से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी चीज को फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं और इसके साथ ही वो समय समय पर अपनी फोटोज और वीडियो से लोगों का भरपूर मनोरंजन करने से भी अपने आप को नहीं रोक पाती हैं। लेकिन इसी बीच उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जो काफी ज्यादा चर्चाओं में आ गया है, साथ ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। अमीषा पटेल के इस नए वीडियो की बात करें तो अमीषा पटेल का एक वीडियो पाकिस्तानी एक्टर इमरान अब्बास के साथ काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अमीषा पटेल इमरान अब्बास से कुछ समय पहले ही बहरीन में आयोजित एक अवार्ड फंक्शन में मिली थी और वहीं उनकी दोस्ती इमरान से हुई थी। बताया जाता है कि इसी आयोजन के बाद दोनों सितारे साथ मिलकर घूमे फिरे, मस्ती किए और बॉलीवुड के गानों पर कई सारी वीडियो भी बनाए। अमीषा पटेल ने इन वीडियोस को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। हालांकि एक और वीडियो अमीषा ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है जो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों भरा रहा है और उनका ये वीडियो भी इमरान अब्बास के साथ है। लोगों को दोनों की जोड़ी खूब पसंद भी आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया इस बात को भी लेकर कह रहे हैं जहां अमीषा पटेल सकीना के किरदार में निभा रही हैं, वहीं दूसरी ओर फिल्म के प्रमोशन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो वहीं दूसरी ओर अमीषा पटेल की अगर इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में अब अमीषा और इमरान अब्बास को साथ में मिलकर बॉलीवुड के दिल में दर्द सा जगह है गाने पर थिरकते हुए दिखाई दे सकते हैं और गाने पर इन दोनों ने डांस भी किया। इतने ही दोनों काफी रोमांटिक अंदाज में डांस भी कर रहे हैं और फैंस वायरल वीडियो को खूब पसंद भी कर रहे हैं। साथ ही कमेंट करते हुए कह रहे हैं कि अमीषा पटेल को उनका बॉयफ्रेंड मिल गया है। साथ ही इन दोनों के बीच रिश्ते को भी लेकर इन दोनों काफी ज्यादा सुर्खियां छाई हुई हैं। हालांकि हिंदुस्तानी फैंस ही नहीं बल्कि पाकिस्तानी फैंस भी इस पर जमकर प्यार लुटाते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों की जोड़ी को सुपर डुपर हिट बता रहे हैं, तो कई लोगों को उनकी ये जोड़ी बिल्कुल भी रास नहीं आ रही है। कई लोगों का कहना है कि सनी पाजी के साथ ही अमीषा पटेल ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब वेल दोस्तों, जैसा मर्जी रहा, लेकिन आने वाले समय में अमीषा पटेल एक बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने वाली हैं। गदर 2 अगले साल 2023 में रिलीज हो सकती है। फिलहाल इस फिल्म की रिलीज डेट तो नहीं सामने आई है, लेकिन अफवाहों की माने तो इस फिल्म को अगले साल के शुरुआती महीने में रिलीज किया जा सकता है। वेल दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय, उस पूरी खबर को लेकर आपने क्या प्रतिक्रिया देनी है, कमेंट कर अपना सुझाव देना बिल्कुल न भूलें।